कांग्रेस के 144 प्रत्याशी घोषित होने के बाद कई जगह विरोध के स्वर। तकरीबन 100 सीटों पर कांटे का मुकाबला। कमलनाथ ने किया सरकार बनाने का दावा, कहा हमारी सूची भविष्य निर्माताओं की है सूची। मिठारी कांड पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पठेर निर्दोष करार, फांसी की सजा हुई रद्द। न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र व न्यायमूर्ति एस एच ए रिजवी की खंडपीठ ने दिया फैसला। दतिया में प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ प्रवर्तन निदेशालय का छापा। भाजपा पार्षद अक्षय दुबे का चाचा है प्रॉपर्टी डीलर राम सहाय दुबे। करोड़ों रुपए की हेराफेरी के मामले में हुई है ये छापामार कार्रवाई। यूएन में इजराइल के राजदूत का बड़ा बयान, गाजा पर कब्जे का इरादा नहीं, करना चाहते हैं आतंकी हमास का सफाया। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि इजराइल का गाजा पट्टी पर कब्जा करने का प्रयास एक बड़ी भूल। बर्फबारी ने पहाड़ों में बढ़ाई ठंडक, चारों धामों केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट होंगे बंद। गंगोत्री धाम के कपाट बंद करने का मुहूर्त 14 नवंबर को, 22 अप्रैल से शुरू हुई थी इस बार चार धाम की यात्रा।